हम गुड़ और आटे की बर्फी बनाएंगे, इसे गुड़ पापड़ी भी कहते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, ये नॉर्मल रोटी का आटा है, 250 ग्राम आटा है, 1.5 कप गुड़ बारीक चॉप करके लिया है और ये 250 ग्राम है, 1 कप घी, घी को हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है, मेल्ट करके नहीं लेना है, और ये 200 ग्राम घी है। ऊपर सजावट के लिए हमने काजू का पीस लिया है, 1 का 2 पीस करके लिया है। कढ़ाई में घी डालेंगे, थोड़ा घी हम बाद में डालेंगे, घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, आटा डाल देंगे। ये हमने देसी घी लिया है, गुड़ पापड़ी देसी घी में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आटे को हम भूनेंगे। इसे लगातार चला के भूनना है। जो घी हमने बचाया है ये भी डाल देंगे। लगातार चला के इसे भूनेंगे। आटे को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे तो गौर पापड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। आटा जब भून जाएगा तभी अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि आटा भून गया है। और भूनने के बाद एकदम हल्का हो जाता है, ये एकदम लाइट एंड फ्लफी हो जाएगा। इसे हमें जरा भी ऐसे नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चला के भूनना है। आटा बराबर भूनना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चा रहेगा तो गुड़ पापड़ी अच्छी नहीं लगेगी और ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकेगी भी नहीं। आटा को हमने 8 से 9 मिनट तक इस तरह से भून लिया है, ये एकदम लाइट हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस ऑफ करेंगे और इसी तरह से इसे कंटिन्यू 1 मिनट चलाते रहेंगे। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो आटा नीचे से लाल हो जाएगा। कढ़ाई को हमने गैस पे से नीचे उतार लिया है और हमें नीचे उतार के ही गुड़ डालना है। गुड़ को हमने एकदम बारीक चॉप किया है, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। गुड़ अंदर डाल देंगे। मिश्रण हमारा गर्म है तो ये गुड़ अंदर मेल्ट हो जाएगा। गुड़ मेल्ट हो जाएगा तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। गुड़ पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए। एक थाली को हमने घी से ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे। गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है। बराबर इसे थाली में स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर काजू का पीस लगा देंगे। काजू का पीस हमने ऊपर लगा दिया है, तब तक ये थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे कट कर लेंगे। इसे कट कर लिया है। 1 से 2 घंटा इसे रूम टेम्परेचर पे सेट होने देंगे
ये सेट हो जाएगी। उसके बाद उसका पीस निकालेंगे। गुड़ पापड़ी सेट हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। पहले से हमने कट लगा ही लिए थे और इसे वापस थोड़ा कट लगा के लूज कर लेंगे। इस तरह से गुड़ पापड़ी आसानी से निकल जाएगी। सब निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम अच्छी बनी है। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। गुड़ पापड़ी एकदम सॉफ्ट बनी है और आसानी से टूट रही है।